नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला। आज अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी 10 अगस्त तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो रिक्त पद हैं उनकी जो संख्या है आप देख सकते हो और थंबनेल में भी देख लिए होगी कि 1 लाख से ज़्यादा पद, लगभग 1,10,000 पद रिक्त हैं, जिनमें से कुछ वैकेंसी जो कुछ पद हैं उनकी जो वैकेंसी है वो चल रही है। कुछ के स्टेज बोल सकते हो कि मेडिकल का है, जैसे UPSI का है, 9534, लगभग 10,000 जो पद हैं उनके आपका प्रक्रिया में है, चयन के लास्ट स्टेज में है। उसमें आपका ASI का भी जो है वो भी आपका प्रक्रिया में है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पद बचे हुए हैं जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं ढीला बरत रहा है इसको क्या करने में, विज्ञप्ति निकालने में। बहुत सारे, वो चाहे रेडियो संवर्क के हो, वो चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी हो, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की 50,000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं, लेकिन फिर भी वो अभी 30,000 की बात कर रहे हैं। तो सारे जितने भी रिक्त पद हैं एक बार हम लोग विवरण देख लेते हैं। ये जो मेरे पास आप सबूत के रूप में देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं इंटरनली ही मिला है डेटा और ये सही भी है। आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से मैक्सिमम जो न्यूज़ होती है वो परीक्षा प्लस आपको ऑथेंटिक देती है और ये न्यूज़ भी आपको ऑथेंटिक ही दी जा रही है। आज नहीं तो कल ये सारी वैकेंसीज आपकी फेल होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ऐसी खबर चाहते हो, आपकी तैयारी या एकदम जो सटीक अपडेट होता है उसके लिए परीक्षा प्लस हमेशा तैयार रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। अभी ये देखो, जैसा कि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुल रिक्त पद जो हैं वो 1,08,910 पद हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो पद है वो नागरिक पुलिस में है। नागरिक जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और आरक्षी और अनारक्षी दोनों सबको मिला के टोटल जो है वो 63,165 पद है। ऐसे ही सशस्त्र बल जो हैं उनमें से 29,428 पद हैं, ठीक है। ऐसे SDRF जो ये डिजास्टर रिजर्व फोर्स होते हैं उनके 84 पद खाली हैं। मोटर परिवहन में 10,000 पद इसमें खाली हैं। आर्मोरर वाले 198 खाली हैं। रेडियो संवर्ग में 3,044 खाली हैं। कंप्यूटर कर्मचारी के 2321 पद खाली हैं और फायर सर्विसेज के 1,471 पद खाली हैं। वो यहाँ पे आपका पूरा विवरण दिया हुआ है, इसे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये अगर आप देखोगे निरीक्षक जो नागरिक पुलिस हैं इस पे 220 पद हैं। हालांकि ये जो निरीक्षक होते हैं, इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये मैक्सिमम प्रमोशन से भरे जाते हैं तो इनकी सीधी भर्ती नहीं निकलती है, लेकिन ये जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस हैं और मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, ये आपकी SI वाली भर्ती की बात कर रहा है और ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती की बात कर रहा है। तो 19,043 लगभग एक और 27,337 एक, कुल मिला के 47,000 अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पद हैं। वो फिर भी अधियाचन में जो पिछला आया था वो 30,000 का समथिंग का आया था, 26,000 समथिंग का पहले आया था, उसके बाद बढ़ के फिर और भी हुआ था, लेकिन ये जो टोटल पद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से 30-20-50 लगभग 47-48,000 पद खाली हैं और ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो आने वाले वैकेंसी में आपके ऐड होके आएंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस वाला जो 15,665 पद है बच्चों, इनमें से 10,000 पद, 9,534 जो पद था SI वाला, वो इसी में सम्मिलित है। बाकी 6,000 पद, 6,500 पद इसमें और बचे हैं, जिनमें से 800 की समथिंग वैकेंसी बोल रहे थे कि UPSI की नहीं आएगी, लेकिन इसी कारण से उसको डिले किया गया था कि वो वैकेंसी अब बढ़ के आएगी और ये विवरण अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट में ये चल रहा है। तो एक बार पुनः आपका UPSI, UPP कांस्टेबल, इन सबकी बहुत अच्छी भर्ती बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है। अभी से आप इस बात के लिए तैयार रहो और पूर्ण तैयारी अपनी स्टार्ट भी कर दो अभी से। परीक्षा प्लस इसकी तैयारी पहले से भी कराता आ रहा है, आगे भी कराता रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, वो चाहे SI भर्ती हो, वो चाहे ASI भर्ती हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो, या फिर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित कोई भी वैकेंसी है, तो नंबर एक जो कंटेंट है और नंबर एक जो न्यूज़ है वो सब कुछ आपको परीक्षा प्लस से मिलता आ रहा है। ये भी आपके लिए उतना ही उपयोगी है। सशस्त्र पुलिस बल में देखा जाए तो निरीक्षक सशस्त्र पुलिस में 66 पद हैं। ऐसे उप निरीक्षक जो हैं ये भी, ये आपकी सीधी भर्ती से नहीं आती है, 66 पद है। बाकी जो उप निरीक्षक हैं और जो ये मुआवजा वाले हैं इनके जो हैं ये 2734 हैं। उसकी सॉरी मुख्य आरक्षी जो ये सशस्त्र पुलिस हैं ये कितने हैं, 24,630 हैं। आरक्षी जो सशस्त्र पुलिस हैं वो 24,630 हैं। तो ये दोनों मुख्य आरक्षी
का मिला लिया जाए, आरक्षी का मिला लिया जाए और इसमें उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस का मिला लिया जाए, तो ये लगभग 29,000 करीबन 350 पद, टोटल 30,000 के लमसम में पद केवल यहाँ पे खाली हुआ है और यहाँ से भी आपके भरे जाएंगे, ये आपकी इन्हीं वैकेंसी में सम्मिलित होंगे। पीएससी का अगर आप देख लो तो पीएससी में हालांकि ये माइनस में दिखाए हैं, माइनस दिखाने का मतलब ये है कि जितना इनके पास रिक्त पद था उस रिक्त पद से कहीं ज्यादा इनके पास क्या है इस समय फिल हो चुके हैं, तो ये पीएससी में इसका मैं और डिटेल निकाल के ये एक्चुअली क्या है वो आपको मैं अलग से बता दूंगा, बट ये माइनस में है इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी है, इसकी वैकेंसी निकालेगा नहीं। एसडीआरएफ का देख लो, ये बहुत दिन से भर्ती, इसकी नहीं है, इनके पास भरे नहीं गए हैं, तो इसमें भी अगर देखा जाए मुख्य आरक्षी पीएससी और उप निरीक्षक पीएससी ये सारे उसी में है, 44 और 83 ये सब मिला के जो एसआई और एएसआई और इन सबकी भर्ती आती है उन्हीं में मिला के ये किया जाएगा, और इसमें भी करीबन 84 क्या ये हैं, तो करीबन 30-35 पद खाली हैं क्योंकि आरक्षी पीएससी वाले में माइनस इसमें अलग से दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कारण से 30-35 है, ज्यादा नहीं है एसडीआरएफ में, लेकिन फिर भी 30-35 पद इस बार मिलके आएगा। पुलिस मोटर परिवहन में अच्छे खासे पद हैं, इस बार 10,000 पद हैं, और जो सबसे ज्यादा पद है उसमें मुख्य आरक्षी चालक का है, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो ड्राइवर होते हैं ठीक है ना मोटर परिवहन वाले में, एक तो रेडियो संवर्ग वाला होता है और एक आपका क्या होता है मोटर परिवहन वाला होता है, तो उनमें जो चालक होते हैं उनके, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की भर्ती आई है, ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ड्राइवर की भर्ती आने वाली है और इसमें लगभग 8,000 पद आने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप पहले से जुट जाओ। इसमें क्या आपकी योग्यता मांगता है, ये सारी चीजें क्या पूछता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों। ऐसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे आर्मोरर वाले में जो पार्ट में है उनमें भी 64, आर्मोरर वाले में 198 है, ये आप अगर देख पाओ सही से, ये पीडीएफ में टेलीग्राम वाले पे दे दूंगा ये इमेज जो है। घुड़सवार पुलिस में करीबन 64 पद खाली हैं और ऐसे रेडियो संवर्ग में 3,044, वर्तमान में रेडियो संवर्ग का जो रेडियो ऑपरेटर का है फॉर्म भरवा लिया गया है और इनमें आधी से ज़्यादा जो वैकेंसी है वो प्रक्रिया में चल रही है, फिर भी इसके 1500 पद लगभग रिक्त होंगे, अन्य जो वैकेंसी आएगी उसमें वो क्या होंगे काउंट होंगे। पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी, ये रेडियो ऑपरेटर वाला, सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लो, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग पूछते हो, ग्रेड ए 891 और ग्रेड बी 1009, टोटल 2321 पद यहाँ पे खाली हैं, और फायर सर्विसेज में अगर देखा जाए तो 1471 पद खाली हैं, तो कुल मिला के बच्चों अगर इन सबको देखा जाए तो 1,08,910 पद खाली हैं, जिनमें से अभी वर्तमान में देखा जाए तो 10,000 करीबन आपका एसआई वाला, यूपी एसआई वाला, ऐसे ही करीबन 3,000 पद देखा जाए तो एएसआई वाला पद उसमें, और जो रेडियो ऑपरेटर का भरा लिए हैं उसमें भी करीबन 2,000 पद लेके चलो 2134, तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15,000 इनमें से 15,000 पद पे वर्तमान में, 15,000 प्लस पद पे वर्तमान में वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आप देख सकते हो तो 1,08,900 में 15,000 अगर आप माइनस भी कर दोगे तो भी आपका करीबन 94,000 समथिंग है ना, 94,000 प्लस वैकेंसी खाली है, जिनमें से आपके यूपी पुलिस के हैं, एसआई के हैं, एएसआई के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अन्य सारी वैकेंसियां हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसका मैं विवरण आपको दे दूंगा कि ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस से आने वाली है। मैं आपको इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात बोला था कि जो अंदर से जानकारी मिली वो यही है, तो बच्चों इसके लिए आप तैयार रहो, बाकी अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी हमसे पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में क्वेश्चन जरूर डाल दीजिए, उसका उत्तर हम लोग आपको दे देंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद सभी का।